अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। जवाद भाई मुझे बताएं कि आजकल जो रियल एस्टेट की मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है, तो ये कब तक मार्केट स्टेबल होने के चांसेस हैं और कब तक इसको थोड़ा ब्रेक लगेगी यहाँ पे जाके? थोड़ा काइंडली गाइड कर दें इस बारे में। काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों ने पूछा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच। मुल्की हालात को देखकर यही पता चल जाता है कि जो रियल एस्टेट का जो शुबा है और जो प्रॉपर्टी का आगे बढ़ने का चांसेस है, तो लेकिन इलेक्शन के बाद यानी 8 फरवरी के बाद चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी कि 6 महीने से 1 साल तक मार्केट में काफी स्टेबिलिटी आ सकती है, काफी आगे जाने का चांसेस है। लेकिन इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, जो जितने बड़े इन्वेस्टर हैं, तो वो अभी इससे फायदा उठा रहे हैं। तो जवाब भी मुझे बताएं कि अभी कहाँ पे, किस सेक्टर में, किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जहाँ से फिर इन्वेस्टर अपना 6 से 8 महीने या 1 साल के अंदर को अच्छा प्रॉफिट गेन कर सके, या जो उसका पहले लॉस हो चुका है वो उसकी भरपाई कर सके। असल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की 2 पॉइंट्स बताऊंगा। हम पाकिस्तानी मोस्टली ज्यादातर कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म पे जो है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। हम ज्यादातर रिफर करते हैं शॉर्ट टर्म पे, लेकिन शॉर्ट टर्म आपको कहीं पे प्रॉफिट नहीं देगा। अब बड़े जो इन्वेस्टर की मैंने बात की है, जो गेम चेंजर होते हैं, जो मार्केट में आपको अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है, वो कौन सा टाइम होता है? और जो जब इन्वेस्टर यही टाइम, ऐसे जो अभी हालात आ रहे हैं, जो अभी हो रहे हैं मार्केट में, जो अभी आप देख रहे हैं, इस सिचुएशन में इन्वेस्टर अभी प्लॉट्स ले रहे हैं, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, तो वो इससे अभी फायदा उठा रहे हैं। और वो सेक्टर कौन से हैं, वो जगह कौन से हैं, यानी कि सीडीए सेक्टर हो गया, इसके अलावा आप B17, फैसल हेल, टॉप सिटी, मुमताज सिटी, ताज रेजिडेंशिया, ये ऐसी सोसाइटीज है, फैसल टाउन, ये ऐसी सोसाइटी है कि ये आपको फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है। और वो सोसाइटी जो RDA और CDA से अप्रूव्ड हो, यानी कि उनका NOC अप्रूव्ड हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। उसको देखकर जब आपको ये पता चल सके कि यार इनके पास ये NOC है, यानी RDA का और CDA का, देन आप उसमें जाके इन्वेस्टमेंट करें। उसके अलावा जो मैंने टॉप प्रायोरिटी पे आपको जो सोसाइटी बताई है, यानी कि जो CDA सेक्टर का मैंने जिक्र किया, मुमताज सिटी का, टॉप सिटी का, फैसल हेल का, तो जो टॉप सिटी है और मुमताज सिटी है, ये यहाँ के फ्यूचर का 0 पॉइंट बनने जा रहा है यहाँ पे। यानी कि जिस तरह आप ब्लू एरिया का लाइन देख रहे हैं, और ब्लू एरिया में जो उसके लेफ्ट और राइट साइड पे कमर्शियल्स बन चुके हैं, इसी तरह इसी जगह में, यानी मुमताज सिटी में, टॉप सिटी में, यहाँ पे 5 स्टार, 4 स्टार की होटल्स बनेंगे, कमर्शियल्स प्रोजेक्ट्स बनेंगे, और आने वाले वक्तों में आपको ये चीज अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है। उसका रीजन क्या है? रीजन न्यू एयरपोर्ट इसके साथ बिल्कुल संग में पड़ा हुआ है, जो कि अगर आप देखा जाए टॉप सिटी के बिल्कुल संग में न्यू एयरपोर्ट पड़ा हुआ है, तो इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा कैपिटल स्मार्ट सिटी इसी तरह देख ले, वो सोसाइटी जो मैंने आपको जिक्र की है, जिनके पास NOC अप्रूव्ड हो, यानी कि RDA या CDA से उनको NOC मिला हो, देन आप उसमें जाके इन्वेस्टमेंट करें। ये आपके लिए एक अच्छा खासा फ्यूचर में प्रॉफिट दिला सकता है। जब आप इस टाइम उसमें प्लॉट्स लेते हैं, यानी कि इस टाइम में आप प्लॉट लेते हैं, जैसे मार्केट अपने हालात में आ जाती है, तो उस टाइम आप एक एक पत्ता जो है ना मार्केट में फेंकेंगे, और आपको उसी एक पत्ते का प्रॉफिट उसी टाइम आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।